हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो रीट स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो फाइनली गाइस, रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। अब रीट के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, क्योंकि काफ़ी जगह से जो पेपर स्टूडेंट्स को मिले वो सील पहले से सील नहीं लगी हुई थी, ठीक है, सील फटी हुई थी। तो देखिए, काफ़ी जगह से ये न्यूज आ रखी है, कहाँ कहाँ से न्यूज आ रखी किया, और फाइनल जो रीट का एग्ज़ाम है उसके आगे प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या सच में ये रीट का एग्ज़ाम जो है कैंसिल होगा या फिर आपका कंटिन्यू इसी का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो देखिए गाइस, क्या क्या न्यूज़ है आज हम न्यूज़ को देख लेते हैं। रीट चप्पल में ब्लूटूथ से नकल करते भी अभ्यर्थियों को पकड़ा है। तो कहाँ कहाँ से ये न्यूज आई है, कहाँ कहाँ नकल हुई है, कहाँ कहाँ के पेपर रद्द हो रहे हैं जो दोबारा से कंडक्ट करवाए जाएंगे, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके रीट के एग्जाम से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी वो आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है ये है अजमेर से, ठीक है। तो पहली पारी में सुबह 10:30 बजे पकड़ा गया, 10:30 बजे पकड़ा गया था। लेवल 2 का जो एग्जाम हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है, 6 लाख रुपए में ली थी। अब क्या है ये पूरी न्यूज़ देखिए। रीट में चीटिंग, चप्पल में ब्लूटूथ से नकल करते अभ्यर्थी को पकड़ा, बीकानेर में कोचिंग संचालन ने कराई थी उपलब्धि, ठीक है। तो पहली पारी में पुलिस को मिला था इनपुट, बीकानेर में बैठा कोचिंग संचालक कर रहा था पेपर सॉल्व। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट के हाथ में चप्पल है, ठीक है, और चप्पल में ये यहाँ पर ब्लूटूथ लगा हुआ है, और जिस कोचिंग में ये स्टूडेंट कोचिंग ले रहा था, जिस इंस्टीट्यूट में ये कोचिंग ले रहा था, उसी इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर था वही पेपर सॉल्व करवा रहा था, ठीक है। तो फाइनली जो जो चीटिंग करवा रहे थे वो पकड़े गए हैं। बोर्ड ने लिया था स्पेशल टास्क, 2 से अधिक फार्म भरने वाले 44,000 से अधिक के केंद्र चिन्हित कर दिए गए, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनने 2 से ज़्यादा बार जो फॉर्म था वो फिल कर दिया था। अब सेकंड जो न्यूज़ है वो अलवर से है। रीट परीक्षा 87.57% अभ्यर्थियों ने सफलता से पूरी की, दोनों पारी एक केंद्र पर विवाद है, ठीक है। एक केंद्र पर, कौन से केंद्र पर विवाद हुआ है, तो देखिए, डिकवाड़ में परीक्षा पर विवाद, 600 परीक्षार्थियों को हुई परेशानी, आईजी कलेक्टर एवं एसपी भी पहुंचे, मामले की जांच भिवाड़ी एसडीएम को सौंपी। पेपर लेट पहुंचा तो अभ्यर्थियों ने कहा, ने किया हंगामा, नकल के आरोपों के बीच दोबारा होगी पहली पारी की परीक्षा, ठीक है। तो जो पहली पारी की जो एग्ज़ाम हुआ था वो अब दोबारा से होगा, क्योंकि पेपर इनके पास जो पहुँचा था वो लेट पहुँचा था। तो पहली पारी का प्रश्न पत्र शिक्षा बोर्ड के निर्देशों पर घोषित तिथि पर दोबारा होगा। तो गैस, ये दोबारा पेपर कनेक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो सेंटर था इसका। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है उदयपुर से। रीट में गड़बड़ी का अनोखा मामला, प्रदेश में दलालों की गिरफ्तारियों और पुलिस की सख्ती से डर गया था एवीजी। 5 लाख में पास कराने का सौदा कर एन वक्त पर मुकरा डमी, प्रवेश पत्र पर फोटो उसी का था, परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी ही गिरफ्तार, ठीक है। तो जो डमी स्टूडेंट बैठाए जाते हैं, 5 लाख में बात हुई थी और वो एग्ज़ाम के टाइम पर डर गया, वो अंदर एंट्री नहीं की, और जो एक्चुअल स्टूडेंट था वो गया था, लेकिन वो पकड़ा गया। सुबह 93.65%, तो दोपहर में 94.46% ने दिया पेपर। तो गाइस, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने जिनने भी फॉर्म भरा था ऑलमोस्ट सभी आ गए थे पेपर देने के लिए। रात 11:30 बजे तक 170 बसों में 13,670 अभ्यर्थी रवाना हुए थे। अब नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, जो कि है सवाई माधोपुर से। ज़िले में रीट परीक्षा की पहली पारी में 86.78, दूसरी में 86.99% अभ्यर्थी रहे उपस्थित, देर रात तक बसों में लौटे। 2 जवानों की पत्नियों समेत 2 महिला अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले मिला पेपर। तो 2 घंटे पहले पेपर मिला है, ये सवाई माधोपुर की न्यूज़ है। 2 लड़कों की पत्नियों समेत 2 महिला अभ्यर्थियों को, 4 लोगों को मिला है, इसका मतलब SOG ने 8 को पकड़ा, 2 जवान सस्पेंड हो गए, ठीक है। तो 2 जवान सस्पेंड भी हुए हैं।
तो गाइस ये थी पूरी न्यूज़ जहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं पकड़े गए हैं, ठीक है। और भी काफ़ी जगह से न्यूज़ है, तो बहुत जल्द मैं अपने चैनल के ऊपर अपडेट डाल दूँगी कि कहाँ कहाँ से स्टूडेंट पकड़े गए हैं, कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी मामला सामने आया है कि जो रीट का पेपर है, जो पेपर मिला स्टूडेंट्स को, वो सील बंद नहीं था, उसकी सील खुली हुई थी। तो सील खुली होने का मतलब है कि पेपर लीक हुआ है या पेपर की फोटो कॉपी की गई है, ठीक है गैज। तो अब तक की न्यूज़ यही थी। जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे चैनल के ऊपर वो आपको अवेलेबल मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू गैज।